तब्बल 17 महिने तुरुंगवास भोगल्यानंतर मनीष सिसोदिया बाहेर आल्यानंतर एक क्षणाचीही विश्रांती न करता या तानाशाहीला या देशातून हद्दपार केल्याशिवाय राहणार नाही असं वक्तव्य त्यांनी आपल्या मित्रांना आपल्या पक्षातील कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना दिले आहेत. की सर्वांना वाटलं की तब्बल 17 महिन्यानंतर सिसोदिया घरी येत आहेत आणि आता ते विश्रांती घेतील. मात्र तो संपो सर्वांचा गैरसमज ठरला आहे. मी विश्रांती 17 महिने घेतली आहेत, यानंतर माझी लढाई असणार आहे ती या तानाशाहीच्या विरोधात, असा आवाज आता मनीष सिसोदिया यांनी दिला आहे. नेमके काय ते म्हणाले आहेत या विषयाकडे आपण जाण्यापूर्वी नमस्कार, मी विनायक कांगणे, आपण पाहत आहात आधार विश्लेषण. मनीष सिसोदिया यांनी कोणतीही विश्रांती न घेता लगेच आपल्या कामाला लागले आहेत, कारण त्यांच्या आयुष्यातील आणि जनतेच्या सेवेतील तब्बल 17 महिने या तानाशाहीने वाय घातलेत असं त्यांनी वक्तव्य केलं आहे. आणि त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानांचं त्यांनी आभार मानलेत, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे सुद्धा आभार मानलेत. आणि या तानाशाहीच्या विरोधात मी खचलो नाही तर माझे प्राण गेले तरी चालतील, मात्र या तानाशाहीला हद्दपार केल्याशिवाय राहणार नाही. नेमके काय म्हणाले मनोज सिसोदिया आपण बघूया. मनीष जी 17 महीने बाद आ रहे हो, 2 दिन के लिए रेस्ट पे चले जाना. मैंने कहा यार जेल के बाहर कदम रखने के बाद पहला हाथ जिस कार्यकर्ता ने पकड़ा था और रात को घर तक जो दूर खड़ा था केवल देख के गया है, वो उम्मीद लगा रहा है कि मेरा मनीष सिसोदिया मेरा भाई बाहर आ गया है. और मैं कहूँ नहीं, मैं तो छुट्टी जा रहा हूँ यार, नहीं, खून पसीना बहाने के लिए बाहर आया हूँ, छुट्टियाँ मनाने के लिए नहीं. एक एक दिन जो संजय भाई ने नारा दिया है कि इनकी जमानत जब्त कराएंगे, आज से और अभी से लग रहे हैं. और बीजेपी वालों ढूंढते रह जाओगे कहां गई वोटें, कहां गई वोटें, आज से लगना है सबको. जो सुन रहे हैं सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, एक एक कार्यकर्ता साथी को कहना चाहता हूं, दिल्ली के एक एक नागरिक को, हरियाणा के एक एक नागरिक को, देश के एक एक नागरिक को कहना चाहता हूं कि इस तानाशाही के खिलाफ तो एक एक आदमी को वोट करना पड़ेगा. दिल्ली के हर गरीब आदमी को बेहतरीन शिक्षा देके उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का सपना पूरा करने के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे. तुम जेल की क्या बात करते हो यार, हम जेल से डराते हैं, हम जान देने के लिए तैयार हैं. बच्चों की एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए और स्वास्थ्य के लिए तो हमारी कई जिंदगियां भी कुर्बान हो जाए तो कम है यार. आप हमें जेल से डराते हो, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे आपकी जेलों से. भारतीय जनता पार्टी और इनके तोता मैना कितने ही ताकतवर हों लेकिन देश के संविधान से ताकतवर नहीं है ये लोग, देश के संविधान से ताकतवर नहीं है. इनकी सारी यातनाएं सारी पीड़ाएं सह के भी हम तैयार हैं, क्योंकि हमको यकीन है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हमारा संविधान है, संविधान जीतेगा. बस आखिर में यही कहूंगा कि हम भगत सिंह के चेले हैं, कहके गया था ये बात, कहके गए थे ना भगत सिंह के चेले हैं, डरने वाले नहीं है तुम्हारी जेलों से भी और तुम्हारे तोता मैना से भी. सुबह बेल का ऑर्डर आया, उससे पहले मैं ऐसे ही टीवी देख रहा था, उसमें 9 अगस्त के बारे में डिटेल चल रहा था, कैसे 9 अगस्त कितना महान दिन है, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था. फिर 10:30 बजे ऑर्डर आ गया बेल का, मैं आंखें बंद की, मैंने भगवान से पूछा ये है क्या, 9 अगस्त भारत छोड़ो के दिन बेल दे रहे हो, चक्कर क्या है. अंदर से आवाज आई कि भारत छोड़ो के दिन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जेल से बाहर निकलो और तानाशाही भारत छोड़ो की आवाज लगाओ, तानाशाही भारत छोड़ो. इस तानाशाही का शिकार हर आम आदमी हो रहा है, तानाशाही भारत छोड़ो की आवाज उठानी पड़ेगी गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में. तुम अपनी अफसरी में, तुम अपनी तानाशाही में 10,000 टीचर्स को एक रात में इधर से उधर उठा के फेंक देते हो, ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है. यही तानाशाही है जिसके खिलाफ हमको आवाज उठानी चाहिए. 1.5 साल से जल बोर्ड का पैसा नहीं दिया गया जबकि पैसा बजट में पास किया विधानसभा ने, ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है बताइए. तानाशाही सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने की नहीं है, तानाशाही आपके घर के सामने जो सीवर बह रहा है उसमें जो अभी ओवरफ्लो हो रहा है वो भी इसी तानाशाही की वजह से हो रहा है. जो नाली नहीं खुल पा रही है उसको 1.5 साल से पैसा नहीं मिला ठेकेदार को,
वो इंजीनियर रो रहा है बेचारा कि मैं कहां से पेमेंट करूं ठेकेदार को, यह भी इसी तानाशाही की वजह से हो रहा है। आपकी गलियों की नालियां सड़ी हुई हैं इस तानाशाही की वजह से। मैं ही जेल में नहीं हूं, केजरीवाल जी जेल में नहीं है, आप भी नरक में रहने को मजबूर हैं इसी तानाशाही की वजह से। कभी कभी ऐसा भी होगा कि इस देश में तानाशाही ताकतें आके आतंकवादियों ड्रग माफियाओं पर लगाए जाने वाले कानून को आम आदमी के ऊपर लगाएंगे, व्यापारियों के ऊपर लगाएंगे, विपक्षियों के ऊपर लगाएंगे, तो उस वक्त उन व्यापारियों को, उन आम आदमियों को, उन विपक्षियों को कौन बचाएगा? तो बाबा साहब ने पहले ही लाइन जोड़ दी थी, संविधान बचाएगा। यही भगवान की कृपा है। कौन बचाएगा उनको जब तानाशाह सरकार अपना जुल्म करेगी, एजेंसियों का दुरुपयोग, कानूनों का दुरुपयोग करेगी, जेलों का दुरुपयोग करेगी, तो कौन बचाएगा? 75 साल पहले उस महान शख्सियत ने लिख दिया था कि मैं ऐसा संविधान दे रहा हूं कि तुमको संविधान बचाएगा। आज हम संविधान के बदौलत खड़े, संविधान की ताकत से यहां पे खड़े हैं। आज मैं शुक्रगुजार हूं देश के संविधान का, बाबा साहब का, और साथ साथ बहुत विनम्र निवेदन के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का, बहुत विनम्र सम्मान के साथ में कि दी हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला, तानाशाही को कल गलत ठहराया। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तानाशाही भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तानाशाही आज हमारे और आपके जीवन के लिए, एक आम आदमी के जीवन के लिए खतरा बन गई है, इसको छुड़वाना पड़ेगा। ये संविधान के लिए खतरा बन गई है, हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बन गई है। आपल्याला जर ही व्हिडिओ आवडली असेल तर जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत ही व्हिडिओ पाठवण्यासाठी सहकार्य करा। अजूनही आधार न्यूजला आपण सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। भेटूया अशाच पुढील माहितीपूर्ण भागामध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।